मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट सेकेंड एंड पेपर थर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम स्टडी कर रहे थे पॉलीसाइक्लोनिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, पॉलीसाइक्लोनिया का रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ लिया था, मतलब कि नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद के बारे में पढ़ लिया था और इसके डायग्राम देख लिए थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वो है निषेचन। मान लीजिए टॉपिक निषेचन। निषेचन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो निषेचन में क्या होता है, जो निषेचन की क्रिया होती है पॉलीसाइक्लोनिया में वो जल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? जल के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, एक कुमैनो होता है। जो कुमैनो क्या करता है, वो जो मैंने आपको ट्राइकिन बनाई थी ना, ट्राइकोनाइन बनाई थी स्ट्रक्चर कार्बोनियल में, तो ये क्या करता है, कुमैनो जो होता है ये ट्राइकिन है, ट्राइकोनाइन है। इस ट्राइकोनाइन के शीर्ष भाग पर, मतलब भाग पर आकर के चिपक जाता है। ठीक है, उमेनो जैसे कि ट्राइकोमाइन के शीर्ष भाग पर आकर चिपक जाता है, फिर क्या होता है, ये ट्राइकोमाइन के संपर्क में आ गया। ठीक है, संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे जहां से ये चिपका है वहां से ट्राइकोमाइन की भुक्ति जो होती है वो नष्ट होने लगती है, ऐसे हटने लगती है। ठीक है, ऐसे ये हटने लगती है और ट्राइकोमाइन में आकर के फिर इसके बाद उमेनो जो होता है इसका जो केंद्र वो ट्राइकोमाइन से होता हुआ। ठीक है, नीचे की साइड हमारे पास क्या था, एक्सेल थी जिसको हमने कार्बोनियल बोला था। तो इसका जो केंद्र होगा कुमैनो के अंदर जो केंद्र होगा वो धीरे धीरे अंदर की ओर आता है, आने के बाद ही कार्बोनियल जो हमारा सेल होती है कार्बोनियल कोशिका से आकर के ये जुड़ जाता है। ठीक है, कुमैनो जैसे ही इससे जुड़ जाता है उसके पश्चात हमारे पास क्या होता है, अंड से संयुक्त होने के बाद एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जायगोट का निर्माण हो गया है द्विगुणित। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, निषेचन कहेंगे। ठीक है, कंप्लीट है अगर तो नोट करें, लिखिए। निषेचन के समय, निषेचन के समय कुमैनो जल में तैरते हुए, कुमैनो जल में तैरते हुए ट्राइकोमाइन के शीर्ष पर आकर, ट्राइकोमाइन के शीर्ष पर आकर चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। जिस स्थल पर कुमैनो, जिस स्थल पर कुमैनो ट्राइकोमाइन के संपर्क में आता है, ट्राइकोमाइन के संपर्क में आता है, उस स्थान पर उनकी भुक्ति, उस स्थान पर उनकी भुक्ति नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और कुमैनो का केंद्र ट्राइकोमाइन से होता हुआ, ट्राइकोमाइन से होता हुआ नीचे की ओर कार्बोमाइन में पहुंचकर, नीचे की ओर कार्बोमाइन में पहुंचकर अंड से संयुक्त होकर, अंड से संयुक्त होकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं, एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया, यह
क्रिया निषेचन कहलाती है, निषेचन कहलाती है।
बना लिया डायग्राम। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो जायगोट बना है उसको हमने क्या बोला है, कार्पोबीजानुद्भिद। ठीक है, तो अब कार्पोबीजानुद्भिद की संरचना को हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक कार्पोबीजानुद्भिद की संरचना। कार्पोबीजानुद्भिद की संरचना लिखिए, इसमें यह है द्विपर्णीय भित्ति युक्त, यह है द्विपर्णीय भित्ति युक्त संरचना होती है, कुंभाकार संरचना होती है। कुंभाकार संरचना होती है जिसके आधार पर उपस्थित होती है। जिन पर कई गोनियोब्लास्ट तंतु, जिन पर कई गोनियोब्लास्ट तंतु पाए जाते हैं इस तंतु की आधारी कोशिका व्रंत व ऊपर की कोशिका कार्पोबीजानुद्भिद कहलाती है। इस संरचना में द्विगुणित कार्पोबीजानु बनते हैं। छिद्र द्वारा बाहर निकल आते हैं। यह पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। जैसे ही कोई आधार मिलता है यह उससे चिपक जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं।
होकर द्विगुणित तथा अंकुरित होकर द्विगुणित चतुष्क बीजाणुद्भिद पादप निर्मित कर लेते हैं। चतुष्क बीजाणुद्भिद पादप निर्मित कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, कार्पो बीजाणु का अंकुरण कई विभाजन द्वारा एक चार कोशिकीय तंतु निर्मित कर लेता है जिसकी आधारी कोशिका मूलाभासी कोशिका बनाती है। इस प्रकार एक बहुसाइफनी चतुष्की बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाता है। अब हम इसकी कार्पो बीजाणु की संरचना या सिस्टोकार्प की संरचना के बारे में देखेंगे। हमें
सिस्टोकार
क्या है इसका स्ट्रा, इसमें क्या लगा हुआ है सिस्टोकार लगा हुआ है, ठीक है। आज का टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट हो गया।